मेरा कार्यक्रम 21 तारीख का था, 21 तारीख का है, और परमिशन अगर नहीं मिलती है तो परमिशन ना देने की मुझे वजह बतानी होगी। मौलाना तोकरे जाफर आसफा की कार्रवाई की जाए एवं इसकी संपत्ति की गोपनीय जांच की जाए कि इसकी चल अचल जो संपत्ति है अगर वो अवैध है तो उसको बुलडोजर कार्रवाई की जाए। 22 तारीख से मैं अनिश्चितकालीन अनशन पर बैठ जाऊंगा, ये मेरे इस पत्र में लिखा है और ये मैंने जिलाधिकारी महोदय को सौंप दिया। आलिया इत्तेहाद मिल्लत काउंसिल के अध्यक्ष मौलाना तौकीरजादा खान के 21 जुलाई को सामूहिक निकाह कार्यक्रम के आयोजन पर सवालिया निशान लग गया है। एक बड़ी वजह से कार्यक्रम पर संकट के बादल मंडरा रहे हैं, वो क्या है जानिएगा। पहले ये बताएंगे कि कार्यक्रम को लेकर अब विरोध का सिलसिला जिले की सीमा लांघकर कहां तक पहुंच गया है। बरेली के बाद किस जिले में मौलाना का पुतला फूंका गया है। आदाब नमस्कार, मैं वसीम अख्तर और आप देख रहे हैं द लीडर हिंदी। मौलाना का सामूहिक निकाह कार्यक्रम सावन माह में कांवड़ यात्रा के आगाज वाले दिन इस्लामी इंटर कॉलेज मैदान से सटे खलील हायर सेकेंडरी स्कूल में प्रस्तावित है। उसके लिए मौलाना की पार्टी ऑल इंडिया इत्तेहाद मिल्लत काउंसिल के प्रदेश प्रभारी नदीम कुरैशी की तरफ से परमिशन मांगी गई है। सिटी मजिस्ट्रेट ने अनुमति से पहले पुलिस और LIU से रिपोर्ट मांगी है, लेकिन मौलाना को आयोजन स्थल के लिए स्कूल से परमिशन मिल गई थी। मौलाना के कार्यक्रम को लेकर गुरुवार को भी विरोध प्रदर्शन का सिलसिला जारी रहा। बरेली से लेकर रामपुर तक मौलाना पर तीखे प्रहार हुए हैं। बरेली कलेक्ट्रेट में आजाद हिंदू सेना के पदाधिकारी कार्यकर्ताओं ने IMC प्रमुख पर शहर का माहौल खराब करने की कोशिश का इल्जाम लगाया है। DM की मार्फत मुख्यमंत्री को ज्ञापन भेजा है। राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित राठौर ने राजशुक्र लगाने की मांग के साथ मौलाना की चल और अचल संपत्ति की जाँच कराने पर जोर दिया है। मेरा नाम अमित राठौर है और मैं आजाद हिंदू सेना राष्ट्रीय अध्यक्ष। क्या मामला है जो ज्ञापन दिया? आज हम लोग को जिलाधिकारी महोदय जी के माध्यम से माननीय मुख्यमंत्री को एक ज्ञापन हम लोगों ने प्रेषित किया है और हम लोगों ने मांग ली है कि मौलाना तौकीरजादा जो बरेली शहर में आए दिन दंगे फसाद कराता रहता है और उसे जल्दी में एक बयान दिया था जिसमें 21 तारीख को वो हिंदू लड़के लड़कियों का धर्म परिवर्तन कराकर निकाह कराने की बात कर रहा है, जिसमें ये विरोध हुआ था और 2 दिन पहले उसका एक लेटर भी इश्यू हुआ था जिसमें उसने कहा था कि मैं कार्यक्रम रद्द कर रहा हूँ। लेकिन अभी कल रात एक सोशल मीडिया वीडियो वायरल की गई जिसमें मौलाना तौकीरजादा ने कहा है कि मैं निर्धारित तिथि पर ये कार्यक्रम करूंगा, जिसमें समस्त हिंदू जनमानस को बहुत आस्था को ठेस लगी है और हम शासन प्रधान से मांग करते हैं कि पहले सबसे पहले ये जांच की जाए कि वो 23 बच्चे कौन से हैं जिनका ये धर्म परिवर्तन करा रहे हैं, वो कहाँ से आए, किडनैप करा के तो नहीं लाए गए हैं, उनको कहीं डराया धमकाया तो नहीं गया है, उनके परिवारजनों में कोई प्रेशर तो नहीं बनाया गया है, इसकी जाँच की जाए। साथ ही साथ मौलाना तौकीरजादा के जो पुराने मुकदमे उनकी गिरफ्तारी की जाए, मौलाना तौकीरजादा पर रासुका की कार्रवाई की जाए एवं इसकी संपत्ति की गोपनीय जांच की जाए कि इसकी चल अचल जो संपत्ति है अगर वो अवैध है तो उसको बुलडोजर कार्रवाई की जाए। हिंदू समाज सदैव सद्भावना से रहना चाहता है, प्यार मोहब्बत से, और शासन प्रशासन अगर इसके कार्यक्रम को रद्द नहीं करता है तो आज़ाद हिंदू सेना एवं शिवसेना स्वयं वहाँ कार्यक्रम स्थल पहुँचकर अपने स्तर से कार्रवाई करेगी और इसके प्रोग्राम को रद्द करेगी किसी कीमत पर। इसको बरेली शहर में ये कार्यक्रम नहीं करने दिया जाएगा। कुछ इसी तरह से पंडित सुशील पाठक ने ज्ञापन देकर चेतावनी दी है कि अगर मौलाना ने धर्म परिवर्तन कराया तो श्यामगंज स्थित शिरडी साईं सरदेव मंदिर के गेट पर बेमियादी धरना शुरू कर देंगे। देखिए मौलाना तौकीरजादा शहर की पिज़ा को कई बार उसने बिगाड़ा है, इस शहर में आग लगाने का काम किया है। सन 2010 में उसने बरेली में कई दुकानें कई मकान जलाए हैं और अब वो सावन का पवित्र महीना आ रहा है, 21 जुलाई जो गुरु पूर्णिमा का महापर्व है, उस दिन उसने घोषणा की है कि हम 23 जोड़ों का धर्म परिवर्तन करा के निकाह कराएंगे। अब मैंने जिलाधिकारी महोदय से भी एक निवेदन किया है, जो अपराधी है जिस पर दर्जनों मुकदमे दर्ज हैं वो तो जेल की सलाखों के अंदर, उसे परमिशन प्रशासन तक आने की हिम्मत ही नहीं होनी चाहिए और वो कह रहा है कि हम 23 जोड़ों का निकाह कराएंगे। उन वो बच्चे जो इसने अपहरण किए हैं वो कौन हैं, कहाँ के हैं, ये उनको प्रशासन कलेक्ट करे और उनकी सूची सार्वजनिक करे कि वास्तविक में उन्होंने एक धर्म विशेष किए हैं या उन्होंने धर्म परिवर्तन किया है, वो सबके सामने आना चाहिए। और यदि ऐसा नहीं हुआ तो 22 तारीख से मैं अनिश्चितकालीन अनशन पर बैठ जाऊंगा, ये मेरे इस पत्र में लिखा है और ये मैंने जिलाधिकारी महोदय को सौंप दिया है। बरेली सटे रामपुर में विश्व हिंदू महासंघ भारत के प्रदेश उपाध्यक्ष विनोद सक्सेना, मंडल प्रभारी प्रदीप शर्मा के आह्वान पर मौलाना का अम्बेडकर पार्क चौराहे पर पुतला दहन किया गया। लगाओ
आग लगाओ आग। विष्णुजी रावत जिला अध्यक्ष विष्णुजी महाजन, ये चौकी राजा का जो पुतला फूका गया है, ये इसलिए फूका गया है माँ बहनों को इसने वो हरकतें करी है कि जो कोई भी समझदार आदमी कोई नहीं कर सकता, जिसने इन्होंने हरकतें चौकी राजा ने की। वो यहाँ तक कहा है हिंदू महिलाओं का धर्म परिवर्तन कराएंगे और फिर अपने मुस्लिम समाज के लोगों से उनकी शादी यानी का कराएंगे। तो जो इन्होंने हिरोनी हरकत करी है चौकी राजा ने, इसके लिए विष्णु महाजन पूरे प्रदेश में, आज एक ही जिले में नहीं पूरे प्रदेश में, ये इसके लिए आवाज उठाएगा, इसके पुतले फूकेगा, इसके खिलाफ मुकदमे दर्ज होंगे, वो इसकी गिरफ्तारी के लिए मांग भी करेगा। अब आपको बताते हैं कि मौलाना के कार्यक्रम को लेकर संकट के बादल क्यों मंडरा रहे हैं। दरअसल खलील हायर सेकेंडरी स्कूल से मिली परमिशन को कैंसिल कर दिया गया है। स्कूल प्रबंधन का कहना है कि उन्होंने सामूहिक निकाह के कार्यक्रम को परमिशन दी थी, धर्म परिवर्तन की बात कर रहे कि परमिशन के लिए दिए गए लेटर में नहीं था। मीडिया के माध्यम से पता लगा है कि कार्यक्रम विवादित है, इसलिए पूर्व में जारी की गई परमिशन कैंसिल की जाती है। स्कूल प्रबंध समिति के अध्यक्ष और प्रबंधक की तरफ से इस आशय का पत्र IMC के प्रदेश प्रभारी को भी भेज दिया गया है। जाहिर सी बात है कि जब कार्यक्रम स्थल पर ही मौलाना तौकीर रजा खान को ना हो गई है, तो प्रशासन की तरफ से कार्यक्रम की अनुमति जारी होना मुश्किल दिख रहा है। बहरहाल 2 दिन बाद क्या होगा, उसके लिए इंतजार कीजिए और देखते रहिए द लीडर हिंदी। खरी बात मजबूती के साथ।